आई एडेड द ग्रेट ताजमहल टू माई मल्टीप्लेयर शूटर गेम, जिसमें जो टीम सबसे पहले 40 किल्स करेगी वो टीम जीत जाएगी, बट द मैप इज गोइंग टू बी इंडियन। क्या मतलब, गेम में सलमान खान भी डाल दो। सो लास्ट डेवलॉग को कंटिन्यू करते हुए, इस डेवलॉग में मैं प्लेयर की मूवमेंट में स्लाइड एंड क्रच फीचर ऐड करूंगा, और भाई स्लाइड करना किसको पसंद नहीं। और साथ ही साथ हम प्लेयर के डिफरेंट गन्स, लोड आउट सिस्टम, गेम मोड्स एंड इंडियन स्टाइल एनवायरनमेंट पे भी काम करेंगे। सो अगर तुमने डेवलॉग फर्स्ट नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद देख लेना गाइज। फिर भी मैं तुम्हें एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ कि पिछले डेवलॉग में हमने प्लेयर की मूवमेंट एंड शूटिंग दोनों पे काम कर लिया था, और उसमें गन रिकॉइल सिस्टम भी ऐड कर दिया था। सो बिना ओपनहाइमर मूवी देखकर न्यूक्लियर बम फोड़े, चलिए शुरू करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं प्लेयर के क्राउच एंड स्लाइड सिस्टम से, जो कि तुमने BGMI और एपिक लेजेंड जैसे गेमों में देखा ही होगा। सो क्राउच एंड स्लाइड सिस्टम ऐड करने के लिए हमें चाहिए कुछ एनिमेशंस, जो कि मिक्सामो वेबसाइट से मिल जाने चाहिए। और थोड़ा ही ढूंढने के बाद हमें क्राउच एनिमेशंस तो मिल गए, बट ये स्लाइड एनिमेशन मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि हमारा प्लेयर जब स्लाइड करेगा तो उसके हाथ में गन होगी, बट ये इधर अपने हाथ भी घिस रहा है स्लाइड करते हुए। सो ये एनिमेशन मुझे अपने हिसाब से एडिट करना पड़ेगा यूनिटी के अंदर। तो ये हरी पीली लाइंस को थोड़ा इधर उधर करने के बाद मेरा स्लाइड एनिमेशन रेडी है, और थोड़ी सी कोडिंग करने के बाद हमारा प्लेयर अब स्लाइड कर सकता है। मेरे से शायद छोटी सी मिस्टेक हो गई है। नाउ आर प्लेयर कैन क्राउच एंड स्लाइड बाय मूविंग फॉरवर्ड। और हाँ, इसमें मैंने एक फीचर ऐड करा है कि स्लाइड करते हुए प्लेयर जिस डायरेक्शन में देखेगा तो वो उसी डायरेक्शन में स्लाइड होता जाएगा। ये एक्चुअली एक बग था जो मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा था, तो मैंने इसे एक फीचर बना दिया। This is Elon Musk. तो अब बारी हमारे प्लेयर के गन्स एंड लोडाउन सिस्टम पे काम करने की, क्योंकि गोला बारूद किसको पसंद नहीं। एक मिनट, नहीं। तो स्टार्ट करते हैं प्लेयर की गन्स पे काम करने से। तो मोस्टली गन्स मैंने वही डाली हैं जो तुमने BGMI और PUBG में देखी होंगी, क्योंकि उनके UI, साउंड एंड स्टैटिस्टिक्स इजीली मिल जाएंगे, वेयर एज मैं कोई गन अलग से डालूँ तो, और इससे मेरा काम भी बच जाएगा, क्योंकि मैं एक सोलो डेव हूँ और सारा काम मुझे खुद ही करना पड़ता है, तो तुम यार समझ ही सकते हो। सो मूविंग ऑन, हमारे गेम में प्राइमरी गन्स होंगी G360, AK-47, P90, M24, S1897। यही नहीं, अभी और सुनिए। और सेकेंडरी गन्स होंगी छोटा तमंचा, बड़ा तमंचा, पिस्तौल, छोटी शॉटगन एंड फाइनली हमारी सबसे प्यारी और राज दुलारी MP9। इसके बाद हम अपनी गन में ऐड करेंगे मजल फ्लैश एंड कैमरा शेक, क्योंकि अभी तो ये गन। मजल फ्लैश एंड कैमरा शेक ऐड करने के बाद अब हमारी गन थोड़ी रियलिस्टिक फील हो रही है, और साथ ही साथ मैंने गन्स में डिफरेंट रेट ऑफ फायर, रिकॉइल, साउंड एंड बुलेट इंपैक्ट सिस्टम भी डाला है, जो कि आई थिंक सो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बट अभी एक प्रॉब्लम है कि जब मेरा प्लेयर ऊपर देखता है तो उसकी गन सामने ही पॉइंट करती है, जो कि काफ़ी वियर्ड है। सो इसको सॉल्व करने के लिए मैं अपने प्लेयर में यूनिटी का एनिमेशन रिग पैकेज डालूंगा, जिससे वो हमारे प्लेयर को और इंटरेक्टिव बना देगा, और थोड़ा सा ही काम करने के बाद बूम, नाउ माय प्लेयर कैन एम एनीवेयर एक्सेप्ट हिज बैक। क्योंकि पीछे मतलब कैसे दिखेगा वो, मतलब पीछे कैसे। और हाँ, तुम लोग भाई बहुत पूछ रहे थे कि भाई इस गेम का क्या नाम है, व्हिच नेम, व्हाट नेम। तो इस गेम का नाम होने वाला है किल स्ट्रीक, है ना, एकदम मतलब कूल सा लग रहा है ना। बट ये मत पूछना क्यों, ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। तो अब बारी है हमारे प्लेयर के कंट्रोल्स चेंज करने की, क्योंकि एक मोबाइल गेम होने वाला है तो कंट्रोल्स भी हमें टच वाले डालने पड़ेंगे। सो मूवमेंट के लिए मैं डाल रहा हूँ जॉयस्टिक, एंड लुक इनपुट के लिए टच सिस्टम। सो नाउ वी कैन कंट्रोल आवर प्लेयर थ्रू आवर मोबाइल फोन, जो कि भाई मेरे हिसाब से सही रहेगा। तो इस वीडियो के स्पॉन्सर है मुगली गुट्टी 555। एक मिनट, ये चैनल तो इतना बड़ा हुआ ही नहीं कि इस पर कोई स्पॉन्सर आए। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, ताकि मैं ऐसी वीडियो और बनाता रहूँ। तो इस गेम में गन्स एंड लोडाउन सिस्टम डालने के बाद मुझे एक चीज़ याद आई कि मुझे गन स्वैपिंग सिस्टम एंड एनिमेशंस भी तो चाहिए, क्योंकि हमारा प्लेयर गन चेंज भी तो करेगा, जो कि मुझे पता था कि मिक्सामो वेबसाइट पे तो होगा ही नहीं। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। तो थोड़ा सा ढूंढने के बाद मुझे ये आर्चर एनिमेशन मिला है, जो कि मैं शायद थोड़ा सा एडिट करके अपने हिसाब से गन स्वैप एनिमेशन बना सकता हूँ। सो थोड़ा सा थर्ड पार्टी टूल यूज करके एंड कोडिंग करने के बाद नाउ वी हैव गन स्वैपिंग एनिमेशन एंड सिस्टम, जो कि भाई काफ़ी अच्छा लग रहा है। और हाँ, एक चीज़ और, इस गेम में मैं अभी कोई मिली वेपन्स ऐड नहीं कर रहा हूँ, जो कि तुम भाई काफ़ी बोल रहे थे कमेंट्स में, क्योंकि सिविलाइज्ड लोग हैं यार हम, मतलब हाथों से थोड़ी लड़ेंगे यार हम तो गन से। सो मैं मिली वेपन्स डाल दूंगा आने वाले डेवलॉग्स में, क्योंकि भाई तुम लोग बहुत बोल रहे हो। अभी हम एक चीज़ भूल रहे हैं जो कि भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, वो है एम असिस्ट। सो तुम्हारा तो पता नहीं गाइस, बट मैं तो एक नूब हूँ, मजाक कर रहा था, आई एम दी प्रो।
सो एम असिस्ट किसी भी शूटर गेम के लिए काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है बाय असिस्टिंग द एम इन फेवर ऑफ द प्लेयर अ लिटिल बिट, जिससे हमारा प्लेयर थोड़ा इजिली एनिमी को टारगेट कर सकता है। सो मैंने गूगल करा कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो मुझे एक तरीका पता चला जिसे कहते हैं एम इज इन। इसमें जब हमारा प्लेयर किसी एनिमी की तरफ देखता है तो हमारा प्लेयर अपने आप ही हल्का सा रोटेट होने लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ एनिमी, जिससे हमारे प्लेयर को फायदा होता है सामने वाले एनिमी पर एम करने में। सो काफी सारी कोडिंग करने के बाद और हमारा एम असिस्ट रेडी है, और तुम देख सकते हो द डिफरेंस ऑफ प्लेयर विद एम असिस्ट एंड विदाउट एम असिस्ट। और मैं काफी खुश हूँ इन रिजल्ट से, क्योंकि मैं पहली बार ऐसे मैकेनिक्स पे काम कर रहा था। अब बारी है हमारे प्लेयर की मूवमेंट में क्लाइंट साइड प्रेडिक्शन डालने की, क्योंकि अभी हमारा प्लेयर नेटवर्क पे तो है, बट जब हमारा प्लेयर मूव करता है तो दूसरे प्लेयर के डिवाइस में हमारा प्लेयर थोड़ा सा लेट मूव करता है, जिसको कहते हैं नेटवर्क डिले। इसको सॉल्व करने के लिए हम डालेंगे इसमें CSP, मतलब क्लाइंट साइड प्रेडिक्शन, जिसमें हमें प्लेयर की रियल टाइम पोजीशंस मिलेंगी और डिले खत्म हो जाएगा। सो दो हफ्ते अपना सर स्क्रीन में मारने के बाद फाइनली मैंने ये CSP स्क्रिप्ट रेडी कर ली, और अब हमारे प्लेयर एक साथ मूव कर सकते हैं विदाउट एनी लैग और डिले। अब फाइनली बारी है हमारे गेम का मैप बनाने की, जिसमें हम कुछ इंडियन चीज़ें भी ऐड करेंगे। नहीं, सलमान भाई नहीं, वैसे सो मैंने कुछ 3D मॉडल्स ढूंढ लिए हैं जो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, मतलब सही लग रहे हैं, मतलब सही हैं। सो पहले डायलॉग में मैंने इस गेम के मेन एसेट्स चूज़ कर लिए थे। सो जब हमारा मैप होगा उसमें मोस्टली एसेट्स वही होंगे, बट मैं उसमें थोड़ा सा इंडियन टच दे दूंगा ये वाले एसेट्स डालकर। बट मुझे एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें मैं बहुत सारे गेम एसेट्स यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि उससे गेम की परफॉर्मेंस लो हो जाएगी, और ये एक मोबाइल का गेम होने वाला है तो उसका मुझे काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। एंड ये वन ऑफ द रीजंस है कि इस गेम को मैं एकदम हाई ग्राफिक्स वाला नहीं बना सकता, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास लो एंड डिवाइसेज ही होते हैं मोस्टली। और हाँ, एक बात और कि अगर तुम इस गेम के अपडेट्स देखना चाहते हो तो मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ गेम डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी सारी बातें होती हैं, और जहाँ हमने एक छोटी सी कम्युनिटी बना रखी है गेम डेवलपर्स की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लाइटिंग एंड पोस्ट प्रोसेसिंग के बाद हमारा TDM का मैप बन चुका है, और ये मुझे भाई काफ़ी अच्छा लग रहा है, और इसमें अब हल्की सी इंडियन वाइब भी आ रही है, क्योंकि इसमें हमने इंडियन ट्रेन, फूड स्टॉल और हाँ, हमारा ताजमहल भी डाल दिया है। तो अब हम काम करेंगे लॉबी एंड प्लेयर मैच मेकिंग सिस्टम पर आने वाले डेवलॉग्स में। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय। क्या मतलब तुमने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया?